त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सूचना का सत्यापन किया और एक मंगेश के घर पर रेड करके वहाँ से तलाशी के दौरान AK-47 की एक बरामदगी की। पूछताछ पे ये पता चला कि मंगेश एक नंदन चौधरी है, उनके ड्राइवर हैं, उनके ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। और उसके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि एक वर्ष पूर्व नंदन चौधरी के द्वारा ही उनको रखने के लिए दिया गया। बट जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो वर्तमान में जो मेयर हैं उपेंद्र जी, उनके वो भगना लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से है। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के कापस्या इलाके में छापेमारी कर एक घर से एक AK-47, दो मैगजीन और 188 कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल बेगूसराय के SP अवकाश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के कापस्या इलाके में एक घर में AK-47 और कारतूस रखा गया है बड़ी संख्या में। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब कार्रवाई की, छापेमारी की, तो घर से AK-47 के साथ साथ 188 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। लेकिन इस मामले में बेगूसराय के SP अवकाश कुमार ने जो खुलासा किया है, बिहार की सियासी माहौल इसको लेकर गरमानी तय है। दरअसल जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने पूछताछ के दौरान बताया है कि यह AK-47 राइफल भू माफिया नंदन चौधरी का है और नंदन चौधरी का पॉलिटिकल कनेक्शन है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नंदन चौधरी का AK-47 बताया जा रहा है, जो कि जमीन खरीद बिक्री का काम करता है, ठेकेदार भी है। बेगूसराय के SP अवकाश कुमार ने इस बात का खुलासा किया है। SP ने भी कहा है कि गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में जिस नंदन चौधरी का जिक्र किया है, वह बेगूसराय के नगर निगम के मेयर का भांजा है और साथ ही बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन कुमार का भतीजा भी है। BJP से बेगूसराय के नगर के विधायक हैं कुंदन कुमार, और गिरिराज सिंह के साथ भी तस्वीर है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो आरोपी कुंदन कुमार है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, उसका पॉलिटिकल कलेक्शन कितना लंबा है आप देख सकते हैं। बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन कुमार, बेगूसराय के सांसद व केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के साथ आरोपी शख्स की तस्वीरें है। नंदन चौधरी इस शख्स का नाम है, जिस पर आरोप है कि उसने AK-47 मंजेश कुमार नाम के युवक को अपने घर में रखने के लिए दिया था। मंजेश नंदन चौधरी का ड्राइवर था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं बेगूसराय के SP अवकाश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। ना कुछ हम लोगों को मिली कि एक व्यक्ति के यहाँ पर अत्याधुनिक हथियार होने की संभावना है, उसके सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए SDPO सदर श्री अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO टाउन और टाउन थाना के विभिन्न पदाधिकारी और मुफस्सिल थाना से SI नीरज, सशस्त्र बल के साथ इस टीम का गठन किया गया छापेमारी के लिए। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सूचना का सत्यापन किया और एक मंगेश के घर पर रेड करके वहाँ से तलाशी के दौरान AK-47 की एक बरामदगी की है। उसके साथ साथ 188 जिंदा गोलियां हैं, जिसमें अलग अलग बोर के अलग अलग संख्या में गोलियां हैं, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और दो लोडेड मैगजीन, इतनी सामग्रियां बरामद हुई है उसके यहाँ से। पूछताछ पे ये पता चला कि मंगेश एक नंदन चौधरी है, उनके ड्राइवर हैं, उनके ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। और उसके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि एक वर्ष पूर्व नंदन चौधरी के द्वारा ही उनको रखने के लिए दिया गया था। नंदन चौधरी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि किस काम के लिए ये हथियार लाया गया था। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर, पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है आप सोचेंगे। नंदन चौधरी के बारे में पता चला, वो ज़मीन के खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं और जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ HURL में या रिफाइनरी में, वहाँ पे कभी पूर्व में ठेका वगैरह लेकर काम भी किया करते थे। वर्तमान में ज़मीन के खरीद फरोख्त ही उनका मुख्य पेशा है। भाई का तो पता नहीं है, बट जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो वर्तमान में जो मेयर हैं उपेंद्र जी, उनके वो भगना लगते हैं। बट इससे कोई और रिलेशन उसके बाद इस हथियार से रिलेटेड उन पर नहीं आया अभी तक। तो नंदन की गिरफ्तारी के बाद ही उसने आगे वही बताया हमने कि नंदन की गिरफ्तारी के पश्चात ही आगे का रास्ता हम लोग के लिए खुलेगा जांच।
तो AK-47 बरामदगी के बाद बेगूसराय एसपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बेगूसराय एसपी ने कहा है कि पूछताछ के क्रम में जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था, मंजेश कुमार नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया था, उसने कहा है कि नंदन चौधरी का वह ड्राइवर है और नंदन चौधरी ने ही AK-47 रखने को दिया था। बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं, नंदन चौधरी बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के विधायक कुंदन कुमार का फुफेरा भाई है और बेगूसराय नगर निगम के मेयर का भांजा है। साथ ही उसकी तस्वीरें बेगूसराय के सांसद और नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह के साथ भी है। जाहिर तौर पे बिहार की सियासी माहौल तो इसको लेकर गर्मानी तय ही है। लगातार विपक्ष बिहार की नीतीश सरकार हो या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो, बढ़ते अपराध को लेकर हमलावर है। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आए कि बेगूसराय के नगर विधायक जो कि बीजेपी कोटे से हैं, उनके फुफेरे भाई के AK-47 को पुलिस ने बरामद कर लिया है और साथ ही बेगूसराय नगर निगम के मेयर के भांजे भी हैं वो, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिहार की नीतीश सरकार पर जरूर ही हमलावर होगी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।